तो दोस्तों मैं वेला मुंडा का जो है प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ, वीडियो बनाने के चक्कर में गाड़ी का नुकसान कर लिया, होंडा सिविक एक्सीडेंट। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, वेला मुंडा का वीडियो में भी देखता रहता हूँ अक्सर, मैंने कहा पता नहीं कौन सा एक्सीडेंट हो गया। तो ओला ने बचत कर दी मेरे ख्याल से। और आप सुनाए, सब खैर खैरियत है और कैसे दिन जा रहे हैं माशाल्लाह आपके। और ये वेला मुंडा का प्रोफाइल है, इसने डरा ही दिया, क्योंकि जब मैंने, क्योंकि ये थंबनेल भी ऐसा लगाता है कि जैसे आदमी डर जाए। और दोस्तों ईद गुजर गई है, ईद ख़त्म हो गई है, और ईद के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो बेल वगैरह थे, जो रौनके थी, वो भी ख़त्म हो गई, बकरे भी ख़त्म हो गए, कुर्बान हो गए। तो ये दिन चल रहे हैं हमारे इसी तरीके ही। और अभी मैं जा रहा हूँ हॉल पे, और हॉल पे चल के विज़िट करेंगे, आज की रूटिंग देखेंगे कि आज की हमारी रूटिंग जो है वो कैसी गुजर रही है। और ये मैं अभी इजाज़ साहब की दुकान पे आया हूँ, और इजाज़ साहब ने कहा कि भाई आज मैं तुम्हें कचौरी खिलाता हूँ, क्योंकि ये गुलबर्ग के बराबर में इनकी स्टेट एजेंसी की दुकान है। तो मैंने कहा भाई कचौरी खिलाओ, इनकी कचौरी जो है ना इधर बराबर में बहुत ही मशहूर है। तो मैंने कहा कचौरी खाते हैं और उसके बाद चलते हैं हाल पे और देखते हैं आगे की रूटिंग। तो दोस्तों कचौरी आ चुकी है, कचौरी और तरकारी आ चुकी है, ये खाते हैं और फिर चलते हैं हॉल पे और देखते हैं आगे की रूटिंग। और आज सरफराज भी मेरी तरह जो है ना आप बाल बनवा रहा है, लेकिन ये इसने बंदा हॉल पे ही बुलवा लिया है, उससे बाल बनवा रहा है, क्योंकि मैं तो अभी गया था सैलून पे, शेव वगैरह मैंने बनवा दिए। तो दोस्तों हम आए हैं पीपल्स चौरंगी पे, और पीपल्स चौरंगी के बराबर में एक बर्गर वाला है जो कि बड़ा ही फेमस, बहुत ही मशहूर है, और इसका बर्गर इतनी रश होती है और बहुत ही जबरदस्त मजे का होता है इनका बर्गर। तो दोस्तों ईद का छठा दिन है और ईद गुजर गई है, बकरे भी चले गए, दुम्बे भी चले गए, ऊंट भी चले गए। अयाज भाई कैसी रही ईद आपकी? कहाँ कहाँ गए, कहाँ घूमे, क्या खाया? गोश्त कैसे खाया, कीमा खाया, क्या खाया? कीमा भी खाया, गोश्त भी खाया, कढ़ाई भी खाई, दावतें भी खाई। दावतें कोई नहीं अभी तक। हाँ, मैंने तो सुना आपकी बहुत दावतें हुई है। नवीन जब हो रहा अच्छा। तो भाई ईद का छठा दिन है आज, ईद वीद खत्म हो गई है, सिस्टम खत्म हो गया पूरा, और जो खुशियां थी वो भी तकरीबन अपने मंजिल को पहुंच चुकी हैं। ईद के 4-5 दिन होते हैं जिसमें आदमी थोड़ा बहुत एक्टिविटी रहती है और छुट्टियां होती हैं। तो जुमेरात को ईद थी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार और जुमेरात, 4 दिन जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको छुट्टी थी, और पीर से लोग जो है ना अपने काम पे शुरू हो गए। और माशाल्लाह आज पीर मंगल का दिन है और ईद वीद ख़त्म हो चुकी है, सिस्टम पूरा ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा आज आपके साथ कुछ व्लॉग शेयर किया जाए। अभी मैं शेव भी बनवा के आया था, क्योंकि ईद पे मैंने शेव नहीं बनवाई थी, क्योंकि जाहिर बात है घर बार यहाँ नहीं है, या कहीं जाना नहीं था, या कहीं घूमना नहीं था। तो मैंने कहा जो है ना फिलहाल रश भी होगा, फिर ईद के बाद ही शेव वगैरह मैं बनवा दूँगा। तो अभी मैं शेव वगैरह भी बनवा के आया हूँ। और आपकी रूटिंग भी बहुत अच्छी गई होगी अल्लाह ताला, क्योंकि अभी तो लोगों के घरों में गोश्त वगैरह चल रहे हैं। बस दुआ करें कि ईद ख़त्म हो गई हो, और हमारे लिए आप दुआ करें ताकि हमारा काम शुरू हो जाए, और कोई हमारे हाल के मुताबिक जो बैंकेट्स टूटे गए हैं यहाँ पे कराची में, टूट तोड़ दिए गए, उनसे मुताबिक कोई खुशखबरी है और कोई सरकार से बात बन जाए, ताकि जो हमारी लेबर है, हमारी रोज़ी है, और जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी रोज़ी बहाल हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।